कप्तान हरमनप्रीत का जलवा, कॉमनवेल्थ गेम्स में ठोका पचासा, कॉमनवेल्थ गेम्स में रचा इतिहास, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला क्रिकेट का कॉमनवेल्थ गेम्स में मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 154 रन बनाए। इस दौरान भारतीय टीम ने अपने 8 विकेट गंवाए। भारत के लिए इस मुकाबले में शेफाली वर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मिलकर टीम इंडिया का सम्मान बचाया। शेफाली वर्मा ने जहां 48 रनों की शानदार पारी खेली, तो वहीं हरमनप्रीत कौर ने 52 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलते हुए टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत महिला क्रिकेट में कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 जड़ने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला टीम पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रही है। ऐसे में हरमनप्रीत द्वारा खेली गई ये पारी इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। हरमनप्रीत कौर ने 34 गेंदों का सामना करते हुए 52 रनों की पारी खेली। इस दौरान बल्लेबाज ने 8 चौके और 1 छक्का लगाया। हालांकि भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ये कीर्तिमान अपने नाम कर सकती थी। शेफाली वर्मा अपने अर्धशतक से मात्र 2 रनों से पीछे थी। इसके बाद शेफाली वर्मा का विकेट गिरने के बाद हरमनप्रीत कौर ने पूरी पारी को अकेले दम पर संभाला। हरमनप्रीत कौर के बाद कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया और लगातार एक के बाद एक अपनी विकेट गंवाता चला गया। हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया को 20वें ओवर तक खड़े रहकर 150 रनों के पार पहुंचाया। आज की ये पारी हरमनप्रीत कौर के करियर की सबसे सर्वश्रेष्ठ पारी भी गिनी जाएगी, क्योंकि ये अर्धशतक हरमनप्रीत कौर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगाया है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने आज हरमनप्रीत कौर अकेले योद्धा की तरह लड़ती रही। कॉमनवेल्थ गेम्स में खेली गई हरमनप्रीत द्वारा ये पारी सभी फैंस को सदियों तक याद रहेगी। आपको बता दें कि हरमनप्रीत कौर उस वक्त बल्लेबाजी करने उतरी जब टीम इंडिया 68 रनों पर अपनी 2 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद से ही लेकर हरमनप्रीत कौर ने अकेले ही भारतीय टीम के लिए रनों का योगदान किया। हरमनप्रीत कौर लगातार टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन कर रही है। हरमनप्रीत कौर द्वारा लगाया गया ये 50 उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 7वां 50 है। हरमनप्रीत कौर ने जिस तरह से आज टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी की है, उसे देखते हुए टीम इंडिया की जीत भी संभव नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या भारतीय गेंदबाज इस लक्ष्य को बचा पाएंगे या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत में ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए वन इंडिया के साथ।